हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले चैप्टर वन से ठोसों में दोष यानी डिफेक्ट इन सॉलिड्स की। इसको हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने आप आपसे डिस्कस कर लिया था कि जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल किससे बने होते हैं? घटक कण से हैं। घटक कण क्या होंगे यहाँ पर? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल में जो घटक कण होंगे, अणु, परमाणु या फिर आयन, उनकी व्यवस्था एक क्रम में होगी, उनकी व्यवस्था एक क्रम में होगी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम क्रमिक व्यवस्था बोल देते हैं कि जो क्रिस्टल होंगे, क्रिस्टल में जो घटक कण होंगे उनकी व्यवस्था क्रमिक होगी। ठीक है, अभी क्रमिक व्यवस्था क्या होती है, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो आपके पास रूबिक्स क्यूब है, ठीक है, और एक आपके पास एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने बनाया समझाने के लिए केवल। अब रूबिक्स क्यूब में देखिए पहले, तो रूबिक्स क्यूब में वहां पर छोटे छोटे जो क्यूब है, छोटे छोटे क्यूब है, वो एक क्रम में लगे हुए हैं, है ना, एक क्रम में लगे हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऊपर भी नीचे भी पीछे भी, है ना, एक क्रम में लगे हुए हैं, क्रमिक व्यवस्था। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो घटक कण है वो भी एक क्रम में लगे हुए हैं सब। ठीक है, यहाँ भी क्या है? क्रमिक व्यवस्था। यहाँ भी क्या है? क्रमिक व्यवस्था। अब होता क्या है, जो क्रमिक व्यवस्था होती है, ठीक है, एक आदर्श क्रमिक व्यवस्था जिसको मैं बोलूंगा, जो आदर्श संरचना होती है, वो केवल और केवल 0 केल्विन पर ही होती है। वो किस पर होती है? जो आदर्श संरचना होती है, वो किस पर होती है? केवल और केवल 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर ही ओके होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो इस क्रमिक व्यवस्था में, चाहे वो रूबिक्स क्यूब जैसी हो और चाहे वो इस जैसी हो, तो इस जो वाली है मेरे पास क्रमिक व्यवस्था, इसमें विचलन आ जाएगा। ठीक है, इसमें विचलन आ जाएगा। अब विचलन किस टाइप का होगा वो भी देखिए, मैंने इसको विचलन के विचलन को समझाने के लिए बनाया था। वो विचलन कुछ ऐसा होगा, सपोज करो मैं इसको यहां से हटा दूं, जो घटक कण है इसको यहां से हटा दूं। ठीक है, अब भी क्रमिक व्यवस्था में विचलन है। अब इसको हटा के मैं कहीं और रख दूं, अब भी क्या है? क्रमिक व्यवस्था में विचलन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये परफेक्ट क्रिस्टल है ना, ये वाला परफेक्ट क्रिस्टल है। अब मैं क्या करूं, दो तरह के विचलन तो हमने आपको बताए, अब मैं क्या करूं, कहीं बाहर से लेके आ जाऊं, है ना, कहीं बाहर से लेके आ जाऊं घटक कण, और यहाँ पे लाके डाल दूं, यहाँ पे लाके डाल दूं, ये भी क्या होगा? ये भी क्रमिक व्यवस्था में विचलन ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोष को डिफाइन करना हो, डिफेक्ट को डिफाइन करना हो, हम क्या कैसे करेंगे? किसी क्रिस्टल के घटक कण में विचलन को ही दोष कहा जाता है ना। यहाँ पे घटक कण का विचलन हो गया, उसको हमने दोष कहा गया। ओके, अब ऐसा नहीं है कि इसका नाम दोष है, ऐसा नहीं है कि इसका नाम दोष है तो ये डिसएडवांटेज ही लेकर आएगा, ऐसा भी नहीं है। जो क्रिस्टल में दोष होते हैं वो क्रिस्टल को काफी सारे गुण भी प्रदान करते हैं, जिनके बारे में डिस्कस हम करेंगे आगे चलकर। ठीक है, फिलहाल तो जो हमारे पास है हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोष। पहली बात तो ये, आप जनरली पढ़ते होंगे शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, डायरेक्टली पढ़ते हैं एकदम बिल्कुल। ठीक है, जो आपके सैंपल पेपर वगैरह है वहां पर डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये नहीं बताया हो कि वहां पर ये किसके डिफेक्ट, मतलब किसके टाइप है। ठीक है, वहां हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोष देखिए, दोष दो प्रकार के होते हैं, परमाण्विक और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब यहां पर जो परमाण्विक है वो भी दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और जालक दोष, बिंदु दोष और जालक दोष। अब यहां पर जो बिंदु दोष है वो भी दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टोशियोमीट्रिक। देखिए, अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे, हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, बस वहां पे ऐसे लिखा जाएगा स्टोशियो, है ना, मीट्रिक। मैंने इसलिए नहीं लिखा इसको हिंदी में, ठीक है, बढ़िया, बड़ा अजीब सा लगता है स्टोशियोमीट्रिक हिंदी में लिखता हुआ। और यहाँ पे आएगा आपका स्टोशियोमीट्रिक, दूसरा होगा आपका नॉन स्टोशियोमीट्रिक, नॉन स्टोशियो मीट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे जालक दोष भी दो प्रकार के होंगे, पहला होगा आपका लाइन डिफेक्ट, पहला क्या होगा आपका? लाइन डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं रेखा, लाइन डिफेक्ट,
या फिर हिंदी में बोलते इसको रेखा दोष। दूसरे नंबर का होता है प्लेन डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं समतल दोष, समतल दोष। ओके, अब यहां पर जो मेरे पास ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो प्रकार के होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर आए ना आपके फ्रेंकल और शोटकी, ये इन्हीं के प्रकार है। फ्रेंकल और शोटकी क्या है, इन्हीं के प्रकार के। यहाँ पे क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे, फ्रेंकल और शोटकी, फ्रेंकल डिफेक्ट और शोटकी डिफेक्ट। देखो ये लिखे भी इस तरह जाते हैं, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखे जाएंगे, तो मैं इनको इंग्लिश में लिख रहा हूं, फ्रेंकल डिफेक्ट और शोटकी डिफेक्ट, ठीक है। अब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंकल और शोटकी की बात कर रहे थे, और आपने हमने आपसे कहा था कि जो बिंदु दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक। और जो फ्रेंकल और शोटकी डिफेक्ट है हमारे पास, ये स्टोइकोमेट्रिक के टाइप है, ठीक है, ये स्टोइकोमेट्रिक के टाइप है। अब सबसे पहली बात, मेरे पास बिंदु दोष क्या होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं, ध्यान दो। परमाणु या परमाणुओं के समूह के आसपास अगर क्रमिक व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, सुनो, किसी क्रिस्टल में परमाणु या परमाणुओं के समूह के आसपास कोई भी क्रमिक परिवर्तन होगा, वो क्या होगा आपका, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास एक दो इसके दो टाइप है, स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक में ये किस टाइप के डिफेक्ट होंगे, ध्यान दो, इस तरह के डिफेक्ट होंगे जब किसी क्रिस्टल में, सपोज करो, ध्यान दो, सपोज करो 10 पॉजिटिव आयन है 10 नेगेटिव आयन है किसी क्रिस्टल में, वैसे इतने नहीं होते, काफी ज्यादा होते हैं, 10 पॉजिटिव आयन है 10 नेगेटिव आयन है, उनमें अनुपात क्या होगा, 1:1, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, उसमें से 8 पॉजिटिव कर दिए और 8 ही नेगेटिव कर दिए, अब भी अनुपात क्या होगा, 1:1, ध्यान दो। इस प्रकार के दोष जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अनुपात समान रहता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं, ठीक है। और यहां पर जो होगा क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अनुपात वही होगा जो उनके रासायनिक सूत्र से दर्शाया गया होगा। सपोज करो NaCl है, NaCl में क्या दर्शाया गया है, एक Na और एक Cl, तो उनके क्रिस्टल में मतलब धनायन और अनायन, एनायन का अनुपात, ठीक है, धनायन और ऋणायन का अनुपात वही होना चाहिए, 1:1, तो क्या होगा आपका, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। ये दो टाइप के बताए थे हमने आपको, कौन कौन से, सबसे पहला शॉर्ट की, देखो क्योंकि जो है थियोरेटिकल टॉपिक होगा आपका, पक्की बात है, देखो शॉर्ट की दोष पक्की बात है, इसकी जो नोट्स है आपको वो मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर नोट्स का लिंक पड़ा है, ठीक है, उसको खोलिए, आपको इस टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है शॉर्टकी दोष, ध्यान दो, कोई क्रिस्टल बना रहा हूं, पहले फिर समझाऊंगा आपको। सपोज करो मेरे पास एक क्रिस्टल है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। सपोज करो आपका क्रिस्टल है, यहां पर क्या है, मैंने जो ए लिखे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 यहाँ पे ए है, ए पॉजिटिव, और 12 यहाँ पे बी नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे अनुपात क्या है, धनायन और ऋणायन का 1:1 है, ठीक है। अब शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि किसी परफेक्ट क्रिस्टल से एक नेगेटिव आयन और एक ही पॉजिटिव आयन, सुनो, किसी आयनिक क्रिस्टल से दो नेगेटिव आयन और दो ही पॉजिटिव आयन मिसिंग होते हैं, ठीक है, मतलब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित रहते हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट में समान संख्या में धनायन व ऋणायन अनुपस्थित रहते हैं। देखो ऐसा, एक तो ऐसा होता है कि आप ना पढ़ लो और उसको ही रट के पेपर में लिख दो,
एक चीज ऐसी होती है कि आप एक काम करो उसको समझो। जैसे शॉर्ट की डिफेक्ट की डेफिनेशन किताब में कुछ भी कहती हो, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि भाई यहाँ से समान संख्या में धनायन और ऋणायन मिसिंग होंगे। अगर एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव बाहर, दो नेगेटिव तो दो पॉजिटिव बाहर, है ना, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव ही बाहर। ठीक है, ये क्या होंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट होंगे। मैं दिखा रहा हूं इनको, सपोज करो मैंने यहां से एक पॉजिटिव हटाया और मैंने यहां से एक नेगेटिव हटाया, तो यहां पे क्या बन गई, वैकेंसी बन गई। यहां पे क्या बन गई, वैकेंसी बन गई। ये वैकेंसी कैसी बनी, ये वैकेंसी कैसी बनी, वैकेंसी क्रिएटेड बाय मिसिंग, क्या हटाया हमने, पॉजिटिव हटाया ना, मिसिंग कैटायन। ये क्या है यहां पर आपका, वैकेंसी क्रिएटेड बाय मिसिंग एनायन, हम मिसिंग एनायन। अच्छा यहाँ पे हम स्टोशियोमेट्री की बात कर रहे थे, स्टोशियोमेट्री में बता रहे थे कि 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव अनुपात 1:1। ध्यान दो अब यहाँ पे कितने रह गए, 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव। अरे अब भी तो अनुपात 1:1 ही होगा, ठीक है, दो कर दो बाहर, एक पॉजिटिव और कर दो, एक नेगेटिव निपटाओ यहाँ से, मतलब खत्म करो इसको, बाहर निकाल दो। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, तब भी शॉर्ट की डिफेक्ट ही होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट को किस तरह के क्रिस्टल शो करेंगे, मतलब किस तरह क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। सबसे पहली कंडीशन इसकी, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी आपका, यहाँ पर जो जो क्रिस्टल शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे, जो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 97 संख्या, वो क्या होगी, हाई होगी, वो क्या होगी, उच्च समन्वय संख्या, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखिए नोट्स मिलेंगे आपको, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरी लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, उच्च समन्वय संख्या, ओके। दूसरी कंडीशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती है, वो क्या होगा, जो इनके साइज होंगे ना, धनायन और कैटा, धनायन के और ऋणायन के, नेगेटिव के और पॉजिटिव के, उनमें जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, साइज लिखेंगे ऐसे लिखेंगे इसको, धनायन व ऋणायन के आकार में अंतर कम होगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक तो आपने किताब की बात रट ली, दूसरे क्या करा आपने उसको, अच्छा ठीक है उच्च समन्वय संख्या, ठीक है लिख देंगे, अच्छा धनायन ऋणायन में जो होगा साइज का अंतर वो कम होगा, ठीक है लिख देंगे, ओके। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहां से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव गायब करें, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, हमने यहां से घटककण गायब करे, घटककण को बाहर निकाल दिया, ठीक है, अब मुझे आपको बताओ, आप बताओ इसके घनत्व में अंतर आएगा, ठीक है, अंतर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और वो अंतर क्या होगा भाई, घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा ना इसका, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि जो शॉर्ट की दोष है उसका जो उसका जो परिणाम होगा, जो से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो क्या होगा, घनत्व कम कर देगा, ठीक है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या करता है, ये पॉइंट है, शॉर्ट की दोष क्या करता है, शॉर्ट की दोष घनत्व कम करता है, शॉर्ट की दोष घनत्व कम करता है। अच्छा अब इसके एग्जांपल देख लीजिएगा आप, इसके एग्जांपल देख लो, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, NaCl, KCl, है ना, सीजियम क्लोराइड, CHCl और Ag-बार। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे NaCl, KCl, बहुत जनरल एग्जाम्पल हैं, याद भी करने की जरूरत नहीं है, पता ही होते हैं, लेकिन जो Ag-बार है इसको आप अंडरलाइन कीजिए और नोट करिए, क्यों आगे बताऊंगा, ठीक है, Ag-बार है इसको अंडरलाइन करिए, ठीक है, और याद भी इसको रखना है, क्योंकि अगर सवाल आता है, सपोज अगर कॉम्पिटिशन में सवाल आ गया
शॉर्ट की में तो फ्रेंकल में से पूछ रहा है सवाल, तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे वो एजेबीआर जरूर देगा। ठीक है, फ्रेंकल देखते हैं अभी इसके बाद। देखिए फ्रेंकल दोष देखते हैं, और फ्रेंकल दोष भी क्या है मेरे पास, ये भी एक स्टोइकोमेट्रिक दोष ही है। मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समान रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो धनायन और ऋणायन है मेरे पास, उनकी जो उनका अनुपात है वो समान रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसको समझने से पहले हमें एक वर्ड है जिसको समझना पड़ेगा, जिसका नाम है हमारे पास अंतरकाशी। ये वर्ड क्या कहता है? अंतरकाशी स्थिति, इंटरस्टीशियल साइड, क्या कहता है? ध्यान दो, देखो जहां पे कोई घटक कण उपस्थित रहता है, क्या बोलते हैं उसको हम, उसकी उस घटक कण की जालक स्थिति। ठीक है, उस घट की जा घटक कण की जालक स्थिति। अब यहाँ पे जो वर्ड है अंतरकाशीय स्थिति, वो क्या होगा? देखो वो ये चीज होगी। ठीक है, अंतरकाशीय स्थिति क्या होगी? किसी जालक में ये होगी, ये वाली। ठीक है, ये कुछ इस तरह समझो कि सपोज करो मेरे पास चार घटक कण कुछ ऐसे रखे हुए है, जो अंतरकाशीय स्थिति होगी वो कौन सी होगी? वो ये वाली होगी। ठीक है, तो इस डिफेक्ट में क्या होगा? कोई भी आयन, धनायन या ऋणायन। ठीक है, लेकिन जनरली हम यहाँ बोलते हैं, अगर अगर आप बुक्स में देखोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे, वहां पे लिखा होगा प्राय धनायन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आयन, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है? कोई भी आयन, कोई भी आयन, मैं भी ब्रैकेट में लिखूंगा, कोई भी आयन जनरली कैटायन, जनरली कैटायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर, अपनी जालक स्थिति को छोड़कर अंतरकाशी स्थिति में आ जाता है। ध्यान दो, कोई भी आयन जनरली धनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर अंतरकाशी स्थिति में आ जाता है, अंतरकाशी स्थिति में आ जाता है। क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष कहलाता है। ठीक है, कहां चला जाएगा? जालक स्थिति में। ये रहा, कहीं भी आता है जालक स्थिति में, ऐसे नहीं आई जाएगा, है ना? आपको बताया गया था कि जालक स्थिति होते गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ आपका? वैकेंसी क्रिएटेड, अगर इधर लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, थोड़ा लंबा होगा ना। वैकेंसी क्रिएटेड बाय माइग्रेशन ओ कैटायन। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव में कुछ कमी आई? नहीं आई, जो थे पहले भी है। नेगेटिव में कुछ कमी आई? नहीं, जो थे पहले नहीं है। तो यहाँ भी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। उसके जस्ट बाद बात करेंगे, एक अच्छा एक बात बताओ, घनत्व की बात करते हैं, क्योंकि घनत्व क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या फिर एक नंबर में पूछ लेगा, और बोर्ड में तो खासकर पूछ ही लेगा, कंपटीशन में पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया कि घनत्व में कमी आएगी या नहीं आएगी, कौन से आएगी, शॉर्टकी से आएगी या फ्रेंकल से आएगी, लेकिन पता होना चाहिए। ध्यान दो, क्या घनत्व में कमी आएगी? नहीं, घनत्व में कमी नहीं आएगी। ध्यान दो, शॉर्टकी में क्या होते हैं? आयन मिसिंग हो रहे थे अपनी जालक स्थिति से। यहाँ पे मिसिंग तो नहीं हो रहा, मतलब जालक से बाहर तो नहीं, क्रिस्टल से बाहर तो नहीं गया, है तो क्रिस्टल के अंदर ही, तो यहाँ पर घनत्व में कोई कमी नहीं आएगी। नोट करो इस बात को। ठीक है, फ्रैंकल फ्रैंकल दोष से घनत्व में कमी नहीं आएगी। ओके, ठीक। दूसरा मेरे पास क्या है? वहां पे इस तरह के क्रिस्टल शो कर रहे थे जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, जिनकी समन्वय संख्या ज्यादा हो। यहाँ पे वे क्रिस्टल शो करेंगे जहां पर समन्वय संख्या कम होगी। नंबर वन पॉइंट क्या है? समन्वय संख्या कम होनी चाहिए। ठीक है, नंबर दो पॉइंट क्या है? वहां पे नंबर दो पॉइंट क्या था? नेगेटिव और पॉजिटिव के जो साइज है, जो उनके आकार है, उनमें काफी कम अंतर था, उसमें कम अंतर था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? धनायन व ऋणायन के आकार
रन के आकार में अधिक अंतर, वहां पे कम अंतर, यहाँ पे अधिक अंतर, अधिक अंतर होना चाहिए, होना चाहिए। ओके ठीक है, घनत्व का हो गया और समन्वय संख्या का भी हो गया और आपका अंतर का भी हो गया। ठीक है, देखो दो टाइप के नोट्स होंगे आपके, एक तो नोट्स हो जो मैं आपको लिख कर दूंगा, एक टाइप के नोट्स ये होंगे कि आप केवल जरूरी जरूरी बातें, इंपोर्टेंट जो बातें हैं वो नोट कीजिए, ठीक है बस। दूसरा यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। अच्छा मैंने कहा था जो AGV आ रहा है आपका उसको अंडरलाइन कर लेना, उसको अंडरलाइन करना मतलब दिमाग में रखना, ठीक है आएगा AGV कहीं से, ध्यान दो। सबसे पहली बात, जो क्षार धातु के हैलाइड है ना, ध्यान दो, क्षार धातु मतलब, क्षार धातु मतलब बताओ, क्षार धातु मतलब जैसे कि Na, K, पोटेशियम है ना, लिथियम, क्षार धातुओं के हैलाइड, क्षार धातुओं के हैलाइड, हैलाइडों में फ्रैंकल दोष नहीं होता। अपने को ये नोट डाउन करने वाली बात थी, आपने एग्जाम्पल्स में क्यों लिखी है, एग्जाम्पल्स में इसलिए लिखी है, ध्यान दो, आपका AGBR आया था ना भाई, हैलाइड तो है लेकिन क्षार धातु का हैलाइड नहीं है, क्षार धातु का हैलाइड नहीं है। और जो AGBR था, जो AGBR था वहां पे क्या शो कर रहा था, शॉर्ट की डिफेक्ट, यहाँ पे शो करेगा फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये AGBR इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा आयनिक कंपाउंड फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करता है, आपका आंसर क्या होता है, AGBR। ठीक है, और इसी तरीके से आपका AGCL, AGI, ये सब क्या शो करेंगे, ZNS, ये सब क्या शो करेंगे, ये सब क्या शो करेंगे, आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स हो गए, शॉर्ट की डिफेक्ट के पीछे हो गए थे, फ्रैंकल क्या हो गए। ठीक है, कुछ जरूरी बातें थी मेरे पास जो घनत्व से रिलेटेड थी मैंने आपको बता दी, ये दोनों कंप्लीट हो गए आपके शॉर्ट के और फ्रैंकल। इसके बाद बात करते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की, मैंने आपसे कहा था सारे की बात करेंगे लेकिन पहले हमने इनकी जरूर समझा, बात करते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक दोषों की। ये कब आता है, ध्यान दो, जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण, ठीक है, जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात बदल जाता है, ठीक है, धनायन व ऋणायन की संख्या के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है, तब क्या होता है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, अनुपात चेंज होगा, अनुपात चेंज होगा तो क्या होगा आपका, नॉन स्टोशियोमेट्रिक अनुपात चेंज नहीं होगा, 1:1 रहेगा, 2:2 रहेगा, 10:10 रहेगा तो क्या होगा आपका, वो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। और एक हाँ जरूरी बात, जो क्रिस्टल होते हैं जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं उनको बोलते हैं बर्थोलाइट यौगिक, जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं। ओके, मैंने कहा था दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धातु अधिकता दोष, और धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता, मैं ठीक लिखा, न्यूनता दोष। ठीक है, ध्यान दो, धातु अधिकता दोष भी, धातु अधिकता दोष की बात करेंगे, ध्यान दो, धातु अधिकता दोष जो क्रिस्टल है वो दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता है। पहला देखो, ध्यान दो, अगर मेरे पास कोई परफेक्ट क्रिस्टल है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव टाइप का, जैसे आपने आपको पहले बनाया है, इस बात को स्किप कर दिया करो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव,
ए पॉजिटिव फटाफट सब बना लिया हमने देखो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कोई परफेक्ट क्रिस्टल है। यहाँ पे धातु न्यूनता दोष दो प्रकार से रिप्रेजेंट हो सकता है। ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास कितने हैं देखो, दो ए पॉजिटिव, दो ए पॉजिटिव, आठ ए पॉजिटिव, आठ भी नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, दो प्रकार से धातु अधिकता दोष मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे, पहली बात तो यहाँ पे मैं नेगेटिव गायब कर दूं, पहली बात तो मैं यहाँ पे नेगेटिव गायब कर दूं, धातु अधिकता दोष हो गया। ठीक है भाई, नेगेटिव गायब करा, आठ पॉजिटिव थे पहले, ठीक है, नेगेटिव गायब करते आठ पॉजिटिव रहेगी और सात नेगेटिव रहेगी, धातु अधिकता तो पहले ही होगी क्योंकि धातु मतलब पॉजिटिव आयन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक तरीका मेरे पास और है जिससे मैं धातु अधिकता दोष रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो कैसे, क्रिस्टल जुगत रहन दिया, इनके अंतरकाशीय स्थिति में है, मैंने कोई ए पॉजिटिव या कोई पॉजिटिव आयन लागर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगी, आठ पॉजिटिव थे, आठ नेगेटिव थे, अब यहाँ पे क्या होगी, नौ पॉजिटिव होगी और आठ नेगेटिव होगी। पॉजिटिव ज्यादा है ना यार, धातु अधिकता दोष। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, पहले तरीके की बात करेंगे, यहाँ से गायब कर देंगे एक नेगेटिव को। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएटेड बाय मिसिंग, बाय मिसिंग क्या गायब करा, नेगेटिव, बाय मिसिंग एनायन। ठीक है, बाय मिसिंग एनायन। अब यहां पे देखो आप, यहां पर मैंने नेगेटिव तो गायब करा, ठीक है, लेकिन यहां पे फिलहाल ये जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं है। हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जहां से नेगेटिव गया है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है, विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है। ओके, दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका, ये जो डिफेक्ट होगा मतलब धातु अधिकता में बात करें, फिलहाल हम धातु न्यूनता दोष की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है, इसके जस्ट बाद में करेंगे, धातु अधिकता दोष में बात कर रहा हूं मैं। अगर धातु अधिकता दोष में आप यहां से नेगेटिव हटा रहे हो, यहां से नेगेटिव हटा रहे हो, तो यहाँ पे ये वाला दोष उन क्रिस्टल में मिलेगा जहां पे शॉर्ट की डिफेक्ट प्रदर्शित करने की संभावना होगी। ठीक है, मतलब जो डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे, जो सॉरी जो क्रिस्टल जो यौगिक शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे वही इस डिफेक्ट को शो करेंगे। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन आया ना इस जगह पे, इसको बोलते हैं हम एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, तो एफ सेंटर्स बोल लेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया है, वैकेंसी क्रिएटेड बाय मिसिंग एनायन, उसको क्या बोलेंगे हम, एफ सेंटर बोलेंगे। असल में इसी इसी जो ये एफ सेंटर है ना, इन्हीं की वजह से किसी क्रिस्टल में कलर आते हैं, किसी भी क्रिस्टल में कलर आते हैं। कैसे कलर आते हैं, ध्यान दो, असल में जो F का मतलब है वो मतलब है यहाँ पे फार्म, फार्म एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, जिसका मतलब होता है कलर। फार्म क्या है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, कलर। एक बात, दूसरा यहाँ पे क्या है, मैं आपको समझाता हूँ उस तरीके से। जब हम किसी क्रिस्टल को सपोज करो हम NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, NaCl एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम NaCl को Na के वेपर में गर्म करते हैं, ध्यान दो, जब हम किसी धातु हैलाइड को क्षार धातु के वेपर में गर्म करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे सीधा सीधा NaCl का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जब हम NaCl को सोडियम की वेपर में, सोडियम सोडियम की वाष्प में गर्म करते हैं तो ऋणायन रिक्ति बनती है, क्रिस्टल में क्या बनती है, ऋणायन रिक्ति बनती है। जो धातु आयन होंगे वो तो क्रिस्टल की सरफेस पर चिपक जाएंगे, क्रिस्टल की सरफेस पर रह जाएंगे, लेकिन जो हैलाइड आयन होंगे, जो हैलाइड आयन होंगे वो धातु के अंदर जाएंगे, वो धातु के अंदर जाएंगे और सोडियम सोडियम से संयोग करेंगे। सोडियम मतलब कहा ना आपसे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ सीधा सीधा NaCl का, दोबारा सुनो, मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम NaCl को सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करते हैं तो जो सोडियम मेटल होगा, सोडियम धातु होगा, वो तो क्रिस्टल की सरफेस पर चिपक जाएगा, लेकिन जो Cl नेगेटिव होंगे धातु के अंदर जाएंगे और Na पॉजिटिव से, सॉरी Na से सोडियम से रिएक्ट करेंगे, संयोग करेंगे और वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, वहां से क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन
बाहर निकाल देंगे। सीएल गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, है ना, ऐसे तो होता है एन पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे वो ही क्रिस्टल द्वारा समावेशित हो जाएगा, क्रिस्टल में वही इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है, कलर क्यों आया? कलर इसलिए आया कि जो सीएल ने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला था ना, वो इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट से, वो इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और क्रिस्टल को कलर प्रदान करेगा। व्हाइट लाइट मतलब ये सनलाइट ही जो है, जो सनलाइट आपकी, मैं इसको व्हाइट लाइट बोल रहा हूँ। ठीक है, यही जो इलेक्ट्रॉन है व्हाइट लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्रिस्टल को कलर प्रदान करेगा। ठीक है, काफी बार मैंने देखा है कॉम्पिटिशन्स में, वो क्रिस्टल देता है और पूछता है कि इसका कलर क्या होगा। सुनो ध्यान से, जो NaCl है ना, NaCl का जो कलर होगा वो होगा, अगर उसमें धातु अधिकता दोष है, धातु अधिकता दोष के कारण NaCl का कलर क्या होगा? येलो। ठीक है, धातु अधिकता दोष के कारण LiCl, लिथियम क्लोराइड का कलर क्या होगा? पिंक। ठीक है, धातु अधिकता दोष के कारण KCl का कलर क्या होगा? वायलेट। क्या होगा? वायलेट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम धातु अधिकता दोष, लेकिन किस वजह से? अंतर्काशीय स्थिति में एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आने की वजह से। दूसरा टाइप है मेरे पास धातु अधिकता दोष का, वहां पे क्या होगा? देखो वहां पे हम क्या करते हैं पीछे अभी के नेगेटिव हटा देते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे पॉजिटिव लाकर रखेंगे। कैसे? ध्यान दो, हम यहाँ पर एक कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन लाकर रखेंगे। ठीक है, ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे विद्युत उदासीनता बैलेंस करने के लिए, विद्युत उदासीनता मेंटेन रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डालना जरूरी होगा यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डालना जरूरी होगा, कहीं भी डाल दो, किस क्रिस्टल में कहीं भी डाल दो। ठीक है, तो एक धातु अधिकता दोष इस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हो। ये क्या है आपका? ये आपका है एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है? इंटरस्टीशियल साइट में, देखो है ना, प्रेजेंट इन इंटरस्टीशियल साइट, इंटरस्टीशियल साइट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, असल में इस तरह के जो दोष है, इस तरह का जो दोष है उन क्रिस्टल में पाए जाने की संभावना होती है, उन क्रिस्टल में पाए जाते हैं, सॉरी, उन क्रिस्टल में पाए जाते हैं जहां पर फ्रैंकल दोष पाए जाने की संभावना हो, जैसे कि AgCl, है ना, AgI, ZnS, ZnO। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ये जो अधिकता धातु अधिकता दोष है, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो धातु अधिकता दोष है इस प्रकार का, कहाँ पाए जाने की संभावना होती है? जहां पे क्रिस्टल दोष होंगे, सॉरी, जहां जहां पे फ्रैंकल दोष होंगे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे फ्रैंकल दोष होंगे। ठीक है, एक बात और कि इस प्रकार के धातु अधिकता दोष है, विद्युत चालकता भी बढ़ती है, किसी क्रिस्टल की विद्युत चालकता भी बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल है आपका ZnO, इसका एग्जाम्पल है आपका जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान दो, एक मेरे पास है नेक्स्ट, जो हमने बताया था कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से? एक धातु अधिकता हो गया, दो टाइप की होंगी ये भी, दूसरा होगा आपका धातु न्यूनता दोष, और धातु न्यूनता दोष वे क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं जहां पर जो धनायन होंगे उनमें परिवर्ती संयोजकता होगी। परिवर्ती संयोजकता का मतलब कि जैसे Fe है, आयरन है, Fe2 पॉजिटिव में रहता है और Fe3 पॉजिटिव में भी रहता है ना, कॉपर है, कॉपर 1 पॉजिटिव में रहता है और कॉपर 2 पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, ओवरऑल ये बात है कि इस तरह के क्रिस्टल जहां पर जो धनायन है वहां पर परिवर्तनशील संयोजकता होनी चाहिए। ओके, कैसे? ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, इस दोष में क्या होगा कि कोई धनायन
जो धनायन के सूक्ष्म होगा अपनी सामान्य जालक स्थिति को त्याग कर, अपनी सामान्य जालक स्थिति को त्याग कर अपने किसी पास वाली जालक स्थिति में आ जाता है, अपने पास वाले किसी जालक स्थिति में आ जाता है। लेकिन वहां पर जहां भी आएगा वहां पर उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी, वो ज्यादा होगी पहले वाले से। ठीक है, वो पहले वाले से होगी। ध्यान दो, यहाँ पे ए पॉजिटिव था पहले, है ना, ए पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हुआ, ए टू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, हम मुझे इलेक्ट्रॉन डालने की जरूरत है क्या? सोचो, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों डाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि विद्युत उदासीनता बनी रहे। सुनो, जितने पहले पॉजिटिव थे उतने तो अब भी पॉजिटिव है, पहले आठ पॉजिटिव थे, आठ नेगेटिव है। ध्यान दो, यहां से ए ही तो मिस हुआ है। ठीक है, अब भी गिन के देख लो, आठ पॉजिटिव होंगे और आठ ही नेगेटिव होंगे। भाई देखो, एक दो तीन चार पांच और दो, अरे क्या हो गया, दो, सुनो, एक दो तीन चार पांच छह और दो आठ, आठ पॉजिटिव है और बी भी क्या है, यहाँ पे कितने नेगेटिव है, तो आठ नेगेटिव है, आठ पॉजिटिव है, यहाँ पे मुझे कोई इलेक्ट्रॉन डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, वैकेंसी क्रिएटेड बाय कैटायन। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, कैटायन प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इनके एग्जाम्पल होंगे आपके जैसे NiO, FeO। ठीक है, तो ये आपके डिफेक्ट थे और हमने इन सब के स्टडी करने के बाद ये देखा कि किसी डिफेक्ट से क्रिस्टल में होल आते हैं। ठीक है, होल आ जाते हैं, जैसे होल बन गया ना, यहाँ पे होल आ जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो जालक ऊर्जा है किसी क्रिस्टल की वो भी घटेगी और उसका स्थायित्व है वो भी घटेगा। ठीक है, देखिए कुछ और प्रकार के मेरे पास दोष है, उनकी बात भी कर लेते हैं। इसके बाद होंगे वो अशुद्धि के कारण उत्पन्न दोष होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होते हैं। ध्यान दो, हमारे पास कुछ शुद्ध क्रिस्टल होते हैं, कुछ शुद्ध पदार्थ होते हैं। अगर हम उनमें कोई बाह्य अशुद्धि मिलाएंगे, कोई बाह्य अशुद्धि मिलाएंगे, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम डोपिंग। और जो मेरे पास क्रिस्टल बनेगा उसको बोलेंगे हम डोप्ड क्रिस्टल। क्या बोलेंगे, डोप्ड क्रिस्टल। ठीक है, आपने एक नाम पक्की बात सुना होगा, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, आपने पहली बार पहली पहली भी नाम सुना होगा, वो इसी प्रक्रिया से बनते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दो, मेरे पास ग्रुप 14 है। ध्यान दो, जो डोपिंग होंगी ना, मैं आपको सहसंयोज किए जो पदार्थ होंगे वहां पे अलग समझाऊंगा, वहां पे अलग समझाऊंगा, और जो आयनिक पदार्थ होंगे वहां पे अलग समझाऊंगा। हम पहले समझेंगे सहसंयोज के पदार्थ में। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, यहां पर शुद्ध पदार्थ है, मान लीजिए शुद्ध पदार्थ है, यहां पर हम इंप्योरिटी मिलाएंगे दो ग्रुप से उठा के। कौन कौन से ग्रुप से, 15 ग्रुप से, कौन कौन से मिलाएंगे, फास्फोरस और आर्सेनिक, और ग्रुप 13 से मिलाएंगे, कौन कौन से मिलाएंगे, एल्यूमिनियम की मिला देंगे और गैलियम की मिला देंगे, ग्रुप 13 के हैं। ठीक है, संयोजी सहसंयोजी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके पास, तीन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन है। सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके पास, पांच है। ठीक है, पांच है मतलब। ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच, बारी बारी से डोपिंग करवाते हैं इसकी, इन मतलब इनमें से किसी की भी, इसमें पहले ग्रुप 13 वाले में से पहले। ध्यान दो, सिलिकॉन कुछ ऐसे होंगे, मैं देखो ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ज्यादा बिल्कुल नहीं बनाने का मैं। ठीक है, और मैंने क्या किया, डोपिंग कराई, यहां भी बना लो, चलो कैसे कराऊंगा यार, एक यहाँ पे रख, डोपिंग करवाऊं, ठीक है यहाँ पे डोपिंग करवा लो, चलो थोड़ा बड़ा दिखेगा। ध्यान दो, अगर मैं सिलिकॉन में डोपिंग करवा रहा हूँ एल्यूमिनियम के, मतलब ग्रुप 13 वाले किसी भी अशुद्धि की, सपोज करो मैंने एल्यूमिनियम की डोपिंग कराई, है ना, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, चार होते हैं ना ग्रुप 14 में भाई,
एल्यूमिनियम के पास तीन, ध्यान दो। सिलिकॉन के पास कितने हैं? एक, ठीक है, दो, तीन, चार। सिलिकॉन के पास कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। इन सब के पास चार चार ही है, ठीक है। मैं इसके दिखा रहा हूं, मतलब जो एल के अराउंड है उनके सबके दिखाने कोई फायदा नहीं, चाहे पूरा बोर्ड भर दो सिलिकॉन से, है ना। मैंने इनके दिखाए, इनके दिखाए, इनके दिखाए और इनके दिखाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, है ना। एक, दो, तीन, खत्म। ध्यान दो, अब इस वजह से क्या हुआ, इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हुआ, एक होल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? एक छिद्र क्रिएट हो गया, ठीक है। ध्यान दो, जब मेरे पास हम सिलिकॉन में ग्रुप 13 से कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो मेरे पास आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर, याद रखना। क्या होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं सिलिकॉन में ही, देखो एक बात नोट होगी, ठीक है, जो जरूरी बात थी मैं कह रहा हूं, मैं जरूरी बात है वो यहां पर बता रहा हूं। अब मेरे पास क्या है, मैं यहां से, अब मैं यहां से उठाता हूँ, ठीक है, अब मैं यहां से उठाता हूँ, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन जुड़े तो है पहले जैसे ही, यहां से उठाया मैंने, फास्ट फॉरवर्ड उठा लिया, आर से नहीं कुछ भी उठा लो, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन? इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बनाओ जरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच इलेक्ट्रॉन बने। ध्यान दो, इस साथ बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इस साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इस साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ध्यान दो, मेरे पास एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन बचा ना, मेरे पास यार एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन बच गया ना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बच गया ना। अब इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मेरे पास कंडक्टर आएगा, जो मेरे पास सेमी कंडक्टर आएगा, वो क्या होगा? मेरे पास एन टाइप सेमी कंडक्टर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। वहां पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया था पी टाइप में, ठीक है, मेरे पास क्या हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया था, यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, सहसंयोजी पदार्थ, सहसंयोजी के पदार्थों में डोपिंग, अशुद्धि मिलाना। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, आयनिक पदार्थों में, मैं यहाँ पे देखो आयनिक पदार्थों में समझा रहा हूँ, आयनिक पदार्थों में अशुद्धि, ध्यान दो, मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, ध्यान। सबसे पहली बात, हम जब आयनिक पदार्थों में अशुद्धि मिलाते हैं तो जो अशुद्धि में धनायनों की संयोजकता है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जिस पदार्थ में हम मिला रहे हैं, जैसे कि NaCl है ना। अगर हम NaCl में अशुद्धि मिलाते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसकी जो संयोजकता है, जो इसकी वैलेंसी है वो दो है, इसकी एक है, सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी, ठीक है। वो अशुद्धि मिलाते कैसे है, ध्यान दो। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस तरीके से था, यहाँ भी Na पॉजिटिव, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो आगे, Na पॉजिटिव, क्या बना दिया उन्हें, गलत बना बच्चे, गलत बना है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब आपने क्या किया, इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई, स्ट्रोंशियम क्लोराइड से आपने इसमें डोपिंग कर दी, तो अब वो क्या करेगा, ध्यान दो, पहली बात तो इसको हटाओ, क्योंकि मैंने कहा उसकी जो वैलेंसी है वो दो है, ठीक है, इसको भी हटाएगा, कोई क्या करेगा, वो इसको भी हटा देगा, है ना, और अपने आप आके बैठ जाएगा, वो अपने आप आके बैठ जाएगा, ठीक है, वैलेंसी दो थी उसकी, ठीक है। इससे क्या होगा, विद्युत आसीनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। ये तो ये किस प्रकार का दोष था,
आयनिक पदार्थों में अशुद्धि, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सहसंयोजी के पदार्थों में अशुद्धि किस तरह के बनते हैं, आयनिक सॉरी एन टाइप के और पी टाइप के अर्धचालक यहाँ से बनते हैं। तो ये आपका दोष कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो मैं चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप कमेंट करते हैं ठीक है कुछ पूछने के लिए तो पूछ सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ आपसे कुछ ही पूछ सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल तो खास कर, ठीक है।